हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ पनीर की भुर्जी की रेसिपी। फटाफट से बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं इजीली और लंच बॉक्स के लिए भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये किस तरीके से बनाई है। सबसे पहले मैंने ले लिया है, ये घर का पनीर लिया है मैंने, और ये मैंने काट लिया पतली पतली लंबी लंबी प्याज, बारीक बारीक छोटे छोटे पीस में टमाटर, और दो हरी मिर्च को बीच से लंबी लंबी काट लिया है। ये ले लिए हैं मैंने सारे मसाले, और अब पनीर को इस तरीके से हाथ से हम बारीक कर लेंगे। देखिए पनीर बिल्कुल फ्रेश है, घर का है तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसी तरीके से आपको अपना पनीर हाथ से बारीक कर लेना है। तो चलिए फ्राई करने के लिए ले लेती हूँ एक लोहे की कढ़ाई, और इसमें चढ़ा लूँगी सबसे पहले मैं थोड़ा सा देसी घी। देखिए पनीर की भुर्जी को जब हम देसी घी में फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब घी को गर्म होने के बाद डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा जीरा, और जीरा चटकने के बाद डाल देंगे इसमें हम अपनी प्याज, और बराबर चलाते हुए प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज को भूनना नहीं है ज़्यादा, बस हल्का सा इसे फ्राई कर लेना है। इसके बाद डाल देंगे इसमें हम अपने टमाटर और हरी मिर्च। ये अब डाल देंगे टमाटर हरी मिर्च, और अब इसको भी चलाते हुए इसमें डाल देंगे हम अपने मसाले। सबसे पहले डाल दिया मैंने नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए टमाटर को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम अपना पनीर। अब ये मैंने पनीर ऐड कर दिया और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक गैस चलाने के बाद इसे बंद कर देंगे और गर्मा गर्म खाने के लिए सर्व करेंगे। देखिए पनीर की भुर्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और फटाफट से बन जाती है। इसे चाहें तो आप जल्दबाजी में सुबह ब्रेकफास्ट में भी तैयार कर सकते हैं, चाहें तो लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अभी हमारी पनीर की भुर्जी तैयार है। अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म भुर्जी हमारी तैयार है सर्व करने के लिए। आप चाहें तो पराठे के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो रोटी के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ।